हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऐतिहासिक धरोहर कमलाह फोर्ट के संरक्षण हेतु अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। स्टेप टूवर्ड्स कमलाह फोर्ट मैराथन के समापन पर भाजपा नेता नरेंद्र अत्री ने कहा कि आज पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। दौड़ में पुरुष ओपन वर्ग में प्रथम स्थान पर सुंदर नगर के रमेश कुमार एवं महिला ओपन वर्ग में हमीरपुर की शिवाली प्रथम स्थान पर रही है, जबकि अंडर 15 वर्ग में बालिकाओं में स्कोहटा की रचना देवी एवं लड़कों में पेहड़ के अंकित कुमार प्रथम स्थान पर रहे। हमीरपुर नगर परिषद के लिए कमाऊ पूतमरा टाउन हॉल की हालत गत कुछ सालों से खस्ता बनी हुई है, लेकिन इसकी हालत को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मात्र औपचारिकता की पूरी करके इतिश्री की जा रही है, जिसके कारण दिनों दिन नगर परिषद टाउन हॉल की हालत खराब हो चुकी है कि सीलिंग जगह जगह से उखड़ रही है। नगर परिषद बजट का रोना रोककर टाउन हॉल पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन साल भर टाउन हॉल से पैसे कमाने के बावजूद भी मरम्मत के नाम पर कोई काम नहीं किया जाने से नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आपको बता दें कि नगर परिषद हमीरपुर के टाउन हॉल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि टाउन हॉल के अंदर छत पूरी तरह से गल चुकी है। शहर के बीचों बीच स्थित टाउन हॉल में आए दिन बड़े या छोटे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, लेकिन टाउन हॉल की हालत को देखकर हर किसी को गहरा रोष पनपता है। वहीं से साथी समारोह व बैठकों के एवज में टाउन हॉल को हर माह लाखों रुपए की इनकम हो रही है, लेकिन इसके मरम्मत की परवाह नहीं किए जाने से हालत बदतर होती जा रही है। गौरतलब है कि दो साल पहले टाउन हॉल के छत की टीन की मरम्मत भी करवाई गई थी, लेकिन अधिकतर जगहों पर अभी तक सीलिंग सही ढंग से नहीं हुई है, जिसके कारण हालत जैसे की तैसे ही बनी हुई है। नगर परिषद के UKL ठाकुर का कहना है कि नगर परिषद के पास बजट नहीं होने से टाउन हॉल की हालत को सुधारा नहीं जा रहा है। यूं नगर परिषद के खर्चों को गिनाते हुए कहा कि बजट नहीं होने से नगर परिषद के कामकाज पर असर पड़ रहा है। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि नगर परिषद के पास फंड की कमी है और इसके लिए केंद्र सरकार से बजट के लिए मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के टाउन हॉल को सुधारने के लिए जल्द काम किया जाएगा। हमीरपुर जिला भर में सामान्य से अधिक बारिश होने के बावजूद भी हमीरपुर में एक गांव ऐसा है जहां पानी की सप्लाई ठीक नहीं होने के कारण लोगों को मजबूर होकर पैसे खर्च कर पानी खरीदना पड़ रहा है। शासन ग्राम पंचायत के गांव जटेहड़ी में पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई ठप होने से लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। अब गुस्साए ग्रामीणों ने पेयजल समस्या का हल नहीं होने पर DC कार्यालय के बाहर धरना देने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि गांव में पानी की किल्लत इतनी ज्यादा हो रही है कि नहाने और मुंह धोने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। गांव वालों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए विभाग भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिसमें समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी नहीं होने के चलते बच्चों को भी बिना नहाए और गंदे कपड़े पहने हुए स्कूल भेजना पड़ रहा है। गांववासी मनोज मदन शास्त्री, उत्तम चंद, अशोक, जस्सी नीमा देवी, अनीता इत्यादि ने मांग की है कि जल समस्या को हल किया जाए। महिला अनीता ने बताया कि पानी की समस्या बनी हुई है और पानी नहीं होने के कारण घरों में गंदगी का आलम बना हुआ है। उन्होंने बताया कि बच्चों को भी स्कूल में बिना नहाए और गंदी वर्दी डालकर जाना पड़ रहा है।
जसपाल शर्मा ने बताया कि पानी के नलकों का बिल बराबर भरा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है, जिस कारण मजबूरन पैसे खर्च कर टैंकर मंगवा कर पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने चेताया कि अगर जल समस्या हल नहीं हुई तो डीसी कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। महिला निम्मो देवी और पवना देवी ने बताया कि जब पेयजल समस्या के बारे में विभाग को पूछा जा रहा है तो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में कोई बावड़ी तक नहीं है, जिसके कारण समस्या गहराती जा रही है।